हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज जानते हैं पीडीएफ कैम स्कैनर के बारे में। अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कैसे बनाएं पीडीएफ कैम स्कैनर से, तो चलिए आज जानते हैं। इस पीडीएफ स्कैनर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो कैमरा का आइकन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट को हम पीडीएफ बनाएंगे उसको फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद इस प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो इस सही की चिन्ह पे क्लिक करना है। यहाँ क्रॉप पे क्रॉप एंड इनहेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद ये जो ऑप्शन दिए हैं इनसे आप टच करके क्रॉप कर सकते हो, तो क्रॉप करते हैं। जितना साइज में लेना है उतना क्रॉप करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट जो दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इनमें जिस में आपको चाहिए उस प्रकार सेलेक्ट कर लेना है और डन पे क्लिक करना है। इसके बाद चलो और अगला पेज को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आ गया है। इसको ये जो ऑप्शन है इनको टच करके क्रॉप करना है। डन पे क्लिक करना है। इसके बाद स्लाइड करना है और दूसरा पेज आ जाएगा, उसको भी क्रॉप करना है। यहाँ डन पे क्लिक करना है और इसके बाद सही के मार्क यानी चिन्ह पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हो अगर दोबारा फ़ोटो लेना है, अच्छा साफ़ नहीं आया, तो दोबारा फ़ोटो ले सकते हैं रीटेक कैमरा में क्लिक करके, और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे सही के चिन्ह पे क्लिक करना है और यहाँ पे नाम देना है तो नाम दे सकते हैं। यहाँ ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ ऐड आ जाएगा, इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद जो नाम से सेव किए हो वो यहाँ दिखने लग जाएगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हो पीडीएफ में थ्री डॉट दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है और हमको पीडीएफ कैसे बनाना है ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हो शेयर एज इमेज फाइल और शेयर एज पीडीएफ, तो शेयर पीडीएफ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जनरेट पीडीएफ में क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हो कितने पेज का, जितना पेज रहेगा उतना पेज यहाँ दिखेगा। यहाँ जनरेट पीडीएफ पे क्लिक करना है। कुछ सेकंड में यह पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे व्यू पीडीएफ पे क्लिक करके देख सकते हो, शेयर एंड ईमेल पे क्लिक कर सकते देख सकते हो और यहाँ पे सेव डिवाइस यानी अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो। शेयर ईमेल में क्लिक करना है और यहाँ पे व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव, ईमेल किसी में भी शेयर कर सकते हो, कर देना है। करने के बाद देख सकते हो पीडीएफ तैयार हो चुका है और यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और
अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।